गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इस वीडियो में हम हीमल एंड पेरिहीमल सिस्टम पढ़ेंगे। किसका? स्टारफिश का। ये जो पेरिहीमल और हीमल सिस्टम है, किसको बोलते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो पुअरली डेवलप होता है स्टारफिश में। मेनली इसमें वर्क होता है हीमल सिस्टम का ही। और जो पेरिहीमल क्या होता है, जो हीमल सिस्टम को कवर किए रहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो हीमल सिस्टम को इनक्लोज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिहीमल सिस्टम बोलते हैं। देखिए, इसमें दो रीजन है, एक क्या है एबोरल, एक ओरल। ओरल जिसमें माउथ है और एबोरल जिसमें एनस है। ठीक है, इसको हमने अलग अलग इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको एबोरल और ओरल सिस्टम हमको समझाना है इसमें। ठीक है, रीजन को हमको समझाना है तो। और ये जो है ओरल और एबोरल को कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे कौन कनेक्ट कर रहा है? ये जो ऐसे दिख रहा है, ये क्या? एक्सियल ग्लैंड है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल ग्लैंड। अभी हम समझते हैं। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो हीमल सिस्टम होता है, हीमल सिस्टम ठीक है, वो क्या है, उसमें होता है, वो होता है इंटर कम्युनिकेटिंग चैनल्स होते हैं। इसी हीमल सिस्टम में सिलोमिक फ्लूड भरा होता है, इसमें साइनस होते हैं, और सिलोमिक फ्लूड में क्या होता है, जिलोमोसाइट पाए जाते हैं। ठीक है, और हमने आपसे पहले ही बताया कि जो भी हीमल सिस्टम को कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे? पेरिहीमल सिस्टम। तो ये पेरी हीमल सिस्टम को इनक्लोज करके रखता है, और इसको जोड़ता कौन है? एक्सियल ग्लैंड। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सियल ग्लैंड जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये ब्राउन कलर की दिखती है, इसलिए ब्राउन कलर की दिखती है तो ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं, सेप्टल ग्लैंड भी बोलते हैं, और डॉर्सल ऑर्गन भी बोलते हैं। होता क्या है, अभी शुरुआत से समझते हैं। इसमें ये जो है ओरल हीमल रिंग, ये एक रिंग आपको दिखाई दे रही, इसमें ऐसे गोल गोल रिंग, ये हो गई ओरल हीमल रिंग। इसको फिर इसको इनक्लोज कौन करेगा? इसको इनक्लोज करेगा पेरिहीमल। इसको इनक्लोज कौन करेगा? पेरिहीमल। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में जो कलर चेंज हो गया, लेकिन होता क्या है कि इसको दोनों तरफ से क्लोज करेगी। जैसे कि ये रिंग है, ठीक, तो इसको अंदर से भी क्लोज करेगा और ये, ठीक है, पूरी तरह से पेरिहीमल सिस्टम क्लोज करेगा। और जो इसके आर्म में जाता है, ये रिंग है तो ये इसके जो आर्म में जाएगा, कितने आर्म से मैंने बताए थे? जो पांचों आर्म में जाएगा उसमें कौन जाएगा? वो रेडियल, रेडियल था ना, तो कौन जाएगा? रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल में कौन जाएगा? रेडियल हीमल साइनस। कौन जाएगा? रेडियल हीमल साइनस। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद आते हैं, बात करते हैं हम ऊपर एबोरल सिस्टम की। तो एबोरल सिस्टम होता क्या है, एबोरल सिस्टम क्या होते हैं? ये देखिए रिंग लाइक सिस्टम है एबोरल, जिससे क्या निकले होते हैं? स्टैंड निकले होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? जेनाइटल स्टैंड। और इसको जो हीमल सिस्टम कवर करेगा, जो इससे हीमल सिस्टम निकलेगा उससे क्या होगा? जेनाइटल हीमल स्टैंड। ठीक है, इन स्टैंड को बोलेंगे। और इन स्टैंड से लगे क्या होते हैं? इन स्टैंड से ये जो रिंग लाइक है, ये क्या होते हैं? गोनेट। ठीक है, और गोनेट को कौन कवर करेगा? जो गोनेट को कवर करेगा वो गोनाइडल पेरिहीमल साइनस, और जो स्टैंड को करेगा, तो क्योंकि वो जेनाइटल स्टैंड है तो जेनाइटल पेरिहीमल, पेरिहीमल तो करेगा ना, तो जेनाइटल पेरिहीमल साइनस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाला तो है नहीं यहाँ पे?
अच्छा एक और चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ये क्या है, ये क्या है, एक्सिमल प्रोसेस, ये किससे निकला होता है, ये इसी क्या, ये इसी क्या नाम है, एग्जियल ग्लैंड से ही निकला रहता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एग्जियल ग्लैंड से निकला है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सिमल प्रोसेस, ठीक है। और उसी के इधर आप जस्ट नीचे देखिए, उसी के जस्ट नीचे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखिए, तो यही एक स्ट्रक्चर है जिसको गैस्ट्रिक टफ्ट बोल रहे हैं। ये भी कहाँ से निकला है, ये भी ये जो है एक्सियल से, ये बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर जो है वही एक स्ट्रक्चर है इस पूरे उसमें, जो किससे नहीं कवर है, जो पेरिहिमल और साइनस से नहीं कवर है, ठीक है। तो ये होता क्या है इसमें, ये जो होता है ये गैस, ये कार्डियक स्टमक तक जाता है, जो गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक टफ्ट ही कहाँ जाता है, ये कार्डियक स्टमक तक जाता है, और कार्डियक स्टमक की वाल तक के जाके फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ लाके डालता है, उसको एक्जियल ग्लैंड में लाके डालता है। फिर एक्जियल ग्लैंड क्या करती है, क्योंकि एक्जियल ग्लैंड जो है उसको हम स्टारफिश का हार्ट भी बोलते हैं, तो वही जो है स्टार जो हार्ट है, जो एक्जियल ग्लैंड है, वो क्या करेगी, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, साथ साथ में उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फूड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप सो आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का वर्क क्या होता है और ये क्यों पाया जाता है, ठीक है। आप इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, होता क्या है, हीमल सिस्टम, ठीक है, पेरिहीमल, जैसे मेन वर्क किसका क्या होता है, हीमल सिस्टम का, और उसको जो इनक्लोज की जो कवरिंग होती है उसको पेरिहीमल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जिसके भी ये टॉपिक है, स्पेशली जो अवध यूनिवर्सिटी से कर रहे BSc, उनमें है, उनमें पूछा भी जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। बाय बाय, टेक केयर।